एक ट्रेलर देखा, गोविंदा मेरा नाम, गोविंदा नाम मेरा, अभी भी खुला हुआ है, रिएक्शन वाली वीडियो भी बनाई। सो भाई मुझे यार ट्रेलर देख के कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कॉमेडी वाली मूवी है, किस टाइप वाली मूवी है। यार अगर बात करूँ कॉमेडी की तो अच्छी कास्ट है एंड कॉमेडी भी अच्छी खासी है ट्रेलर में, या बात करूँ सस्पेंस की तो वो भी थोड़ा ठीक ठाक ही है। सो आज की वीडियो में हम इसी मूवी के ट्रेलर के बारे में बात करेंगे। तो अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर दो यार, किसकी इंतजार देख रहे हो, अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी बिना किस देर के वीडियो को स्टार्ट करो। भाई अगर ट्रेलर की बात की जाए तो ट्रेलर में अच्छी खासी कॉमेडी है, अच्छा खासा ह्यूमर है एंड शशांक ने मूवी लिखी है, जिन्होंने धड़क मूवी को भी डायरेक्ट किया था। उनकी पिछली मूवी धड़क कुछ इतना अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन ये मूवी OTT पे रिलीज़ हो रही है एंड एक चीज़ तो पक्की है, मैं तो मूवी को सबसे पहले देखने वाला हूँ। और भाई मुझे यार थोड़ा इस टाइप वाली मूवी पसंद आती है एंड जिस मूवी में थोड़ा सा केमिस्ट्री भी तो देखो यार, भूमि पेडनेकर एंड कियारा एडवानी, और भाई मूवी ना देखने का कोई कारण भी तो बताओ। मेरे को थोड़ा सा एक डायलॉग वो अच्छा लगा, वो थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट है, वो जब अपने दया भाई साहब हैं वो जो पकड़ लेते हैं, विकी भाई कहते हैं छोड़ दो साहब पिघल जाएगा, तो कहते तेरा पिघल जाते हो, कहते बर्फ सर बर्फ पिघल जाएगा, तो डबल मीनिंग वाले डायलॉग हैं। एंड अब बात की जाए यार ट्रेलर अच्छा खासा है, मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड तो करता ही है। ओवरऑल अगर बात करूँ तो ट्रेलर में यार कुछ खामियाँ नहीं निकाल सकते यार, ऐसी मूवीज़ में कोई खामी निकालने का मतलब होता नहीं है। ऐसी मूवीज़ का क्या, आए देखो एंजॉय करो, पसंद आए तो पसंद बोलो, नहीं पसंद आए तो नहीं बोलो। वेल जब मूवी आ जाएगी तो हम लोग को और आपको दोनों को पता चले। ज़्यादा दिन भी नहीं बचे, 16 दिसंबर को ये मूवी आ रही है Disney+ पे, सो देखते हैं मूवी कैसी होगी। तो भाई बस इतना ही बोल सकता हूँ मैं इस मूवी के लिए कि आई एम एक्साइटेड। एंड आज की वीडियो यहीं तक की थी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।